पुरी रे विकास नारे चली कार्य को शंकराचार्य नापसंद पुरी रे विकास नारे ए पवित्र भूमिर अस्तित्व और बिलपुर रास्ता प्रशस्त होबार लगी शासन तंत्र दायित्व तीर्थस्थली को भोगस्थली नक आम विकास चाहूँ किंतु अस्तित्व बिलोप पक्ष नुहे शासन तंत्र मार्ग प्रशस्त ना मठ गुड़ी भांगी दिगला देवादेवी मंदिर भी भांगी दिगला शासन तंत्र लोक मत को बड़शाड़ी भाविबा उचित अनुचित तेरे तपस्थली एवं सुरा सुंदरी स्थान पलटि शंकराचार्य पुरी में विकास के नाम पर जो बवाल मचाया जा रहा है उससे इस पवित्र भूमि के अस्तित्व और आदर्श के विलोप का मार्ग ही प्रशस्त हो रहा है। शासन तंत्र का यह दायित्व है कि तीर्थ को भोगस्थली का रूप प्रदान न करे, सुरा सुंदरी का केंद्र न बनावे। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु तीर्थों के अस्तित्व और आदर्श विकास के नाम पर विलुप्त हो जाएं, इसके पक्षधर नहीं हैं। शासन तंत्र ने परंपरा प्राप्त मठों को मार्ग के प्रशस्त करने के नाम पर तोड़ दिया। देवी देवता के स्थान भी विलुप्त कर दिए गए और यह क्रम चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र यह न सोचे कि उसे लोकमत का बल प्राप्त है, लोकमत कभी भी विपरीत हो सकता है। उड़ीसा की जनता ने आस्थापूर्वक जिस राजनीतिक दल को शासन करने का अवसर वर्षों से प्रदान किया है, उड़ीसा की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर उड़ीसा की राजधानी धार्मिक दृष्टि से जो पुरी है उसके आदर्शों को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ तो पूरे विश्व के नाथ हैं, यहाँ विधिवत आदि शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से पुनः प्रतिष्ठित हैं। पुरी में विकास के नाम पर जो बवाल मचाया जा रहा है